हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम टीडीएस इनेबल करके और उसमें एंट्री करना सीखेंगे। इसके पहले टीडीएस इनेबल करना हालांकि मैंने बताया था, चलिए स्टार्ट करते हैं। भी आप जा सकते हैं, ये अवेलेबल लिखा हुआ है। यहाँ पे फीचर्स पे भी आप क्लिक कर सकते हैं, तो ये कंपनी फीचर्स खुल जाएगी और फिर यहाँ से स्टेटरी एंड टैक्सेशन पे आ जाइए और यहाँ पर सेट अल्टर जीएसटी डिटेल को भी यस कर देना है आपको, एंटर प्रेस करना है और यहाँ पर तमाम वो चीजें डाल देनी है। यहाँ पर आपका जो जीएसटी आईएन नंबर है वो आएगा, इसको टैली वेरीफाई करेगा। ईवे बिल को नो रख देता हूं और यहां से अभी मैं जीएसटी इनेबल कर रहा हूं, यहां से टैक्सेबल रखेंगे। ये टैक्सेबल कर लिया हमने और 18% जीएसटी लगा देता हूं मैं। और यहां से अब टीडीएस को इनेबल करना है, इसको यानी कि सेट अल्टर टीडीएस डिटेल को भी वाई प्रेस कीजिए। यहां पर 10 नंबर आएगा, 1 2 3 4 5, 5 न्यूमेरिक वर्ड और फिर लास्ट का एक अल्फाबेट। अब ये एक्सेप्ट करेगा। अब आपका नेचर क्या है, कंपनी है या इंडिविजुअल है, आप देख लीजिए। मैं यहाँ पे कंपनी रखता हूँ, ठीक है। ब्रांच या डिवीजन जहाँ का है वो नाम आप दे सकते हैं। यहाँ पे एंटर प्रेस किया और यहाँ पर उस व्यक्ति की जो टीडीएस काटेगा उसका पूरा डिटेल फिल होगा। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, यहाँ पे सारी डिटेल्स आपको फिल करनी है, स्टेट डालना कंपलसरी, तो ये हो गया। अब यहाँ पर 20% आ रहा है, 20% यानी अगर पैन कार्ड नहीं है तो 20%, ठीक है। यहाँ से इसको एक्सेप्ट करिए और यहाँ से इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। इतना कर लेने के बाद आपको कुछ लेजर्स बनाने होंगे, वो लेजर्स किस प्रकार के होंगे आइए देखिए। तो पहला काम कि अकाउंटिंग वाउचर में चलना है और हम परचेज में नहीं बनाएंगे, इस बार हम जनरल वाउचर में चलते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो एंट्री परचेज वगैरह नहीं होती वो जनरल वाउचर में हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई कुछ सेक्शंस होती हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर डिटेल के लिए आपको सजेस्ट करूंगा कि आप गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जाकर उसका पूरा डिटेल ले सकते हैं और सिर्फ आपको टाइप करना है टीडीएस डिटेल ऑफ गवर्नमेंट, तो पहला जो लिंक आएगा वहां पर क्लिक करके आप पूरी डिटेल देख सकते हैं। अब यहाँ पर जो पहला सेक्शन है, मैं यहाँ पे कमीशन ही ले लेता हूँ, ठीक है। तो जब कमीशन आप लेंगे तो कमीशन के ऊपर जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, 15,000 से अधिक का जो आप कमीशन लेते हो तो उस पर टीडीएस कटता है, ठीक है। अगर आप पोस्ट ऑफिस में एजेंट हैं, एलआईसी में एजेंट हैं, तो 15,000 से अधिक अगर आप कमीशन लेते हैं उस पर टीडीएस कटेगा। यहाँ पे डेबिट आ रहा है, तो डेबिट आ रहा है तो क्या करना होगा, सबसे पहले लेजर बनाना होगा। तो लेजर्स बनाने के लिए अल्ट के साथ सी प्रेस कीजिए, ठीक है। और ये जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, तो आई प्रेस कीजिए और यहां से इनडायरेक्ट एक्सपेंस में इसे डाल दीजिए। डाल दिया, एंटर प्रेस किया और यहां पर आएंगे, एंटर प्रेस करेंगे, यहां जीएसटी एप्लीकेबल रहेगा, मैं नो ही रखता हूं, एंटर प्रेस करता हूं। यहां पर सर्विसेज है ये, तो यहां पर अब हमें टीडीएस एप्लीकेबल रखना है, ठीक है। टीडीएस एप्लीकेबल रहेगा तो यहां से आप जा सकते हैं, ये एप्लीकेबल कर दिया हमने। यहां पे कैटेगरी बना सकते हैं, अल्ट के साथ सी प्रेस कीजिए और यहां पे मैं लिख देता हूं कमीशन। और लिखने के बाद आपको क्या करना है, एंटर प्रेस करना है और यहां पे सेक्शंस डालने हैं, ठीक है। तो 194H ये सेक्शन है, आप गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हैं इसको। और फिर यहां पर कोड की बात आएगी, तो कोड क्या डालना है, तो ये कोड हमने डाल दिया कोई, ठीक है। और यहाँ पर रेमिटेंस का कोड जो होगा वो आ जाएगा और यहाँ पर रेट डालना है आपको, तो रेट मान लीजिए 10% है, ठीक है। और थ्रेशोल्ड लिमिट की बात करें तो यहाँ पर 15,000 रुपए, तो यहाँ 15,000 रुपए मैं डाल देता हूँ, ठीक है। ये डाल दिया, एंटर प्रेस किया, ठीक है। और अगर बैंक की डिटेल देना चाहे तो दे सकते हैं। अब यहाँ पर कितना कमीशन पेड हुआ है वो आपको देना है, 1,00,000 रुपए या 1,20,000 रुपए हमने कमीशन पेड कर दिया, ठीक है। एंटर प्रेस किया। अब यहाँ पे क्रेडिट करना है, तो यहाँ पे क्रेडिट में क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए कमीशन दिख रहा है आपको। डेटर्स क्रेडिटर पार्टी का लेजर बनाना होगा, तो यहाँ से अल्ट के साथ सी प्रेस कीजिए, यहाँ पे लिखता हूं मैं रामू, क्रेडिटर लिख देता हूं पहचान के लिए ताकि आपको पहचान होता रहे। आप चाहे तो खाली रामू भी लिख सकते हैं। और यहाँ एस प्रेस कीजिए और यहाँ से सन्ड्री क्रेडिटर ले लीजिए, ग्रुप चूज कर लीजिए। यहाँ पे टीडीएस तो कटेगा ही कटेगा, तो यहाँ पे वाई प्रेस कीजिए, एंटर प्रेस कीजिए। अब यहाँ पर ये क्या है उसके हिसाब से
हम टीडीएस काटेंगे, ठीक है। जैसे इसमें देखिए एसोसिएशन ऑफ पर्सन बॉडी, ये कई प्रकार की चीजें दी हुई हैं इसमें, ठीक है। तो इसमें आपको चूज करना है, तो जो भी डिडक्टेड टाइप हो वो यहाँ पे आप दे दे, तो इसमें से कोई भी चूज कर लेता हूं मैं, एंटर प्रेस करता हूं, और यहां पर अब पैन नंबर आप फिल करना चाहें तो फिल कर सकते हैं यहाँ पे पैन नंबर। तो यहां पे देख सकते हैं, यहां से नीचे आ जाइए, यहां न्यू रेफरेंस कर दीजिए, एंटर प्रेस कीजिए, और फिर यहां पे ये क्रेडिट और डेबिट हो गया। यहां पर अब हमें एक और लेजर बनाना है, और अल्ट के साथ सी प्रेस कीजिए, और यहां टीडीएस का लेजर बना लीजिए, टीडीएस ऑन कमीशन के नाम से बना लेता हूं, आपका जो भी टाइप हो उसके हिसाब से आप बना सकते हैं। और ये सब जाता है ड्यूटीज एंड टैक्सेस में, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, तो ये आ गया ड्यूटीज एंड टैक्सेस, टीडीएस है तो टीडीएस ले लीजिए, ठीक है। और यहां पर कैटेगरी कमीशन हमने बनाई हुई है, तो कमीशन ले लीजिए, और अगर बैंक की डिटेल देना चाहे तो दे सकते हैं। और यहां पर देखिए टीडीएस अपने आप कैलकुलेट होकर आ गया है, तो इस तरीके से आप टीडीएस कैलकुलेट कर सकते हैं। ये पहली वीडियो टीडीएस कैलकुलेशन को लेकर के है, और भी वीडियोस मैं बनाता रहूंगा इस पर, तो उम्मीद करता हूं कि आपके बात समझ में आ गई होगी। इसको एक्सेप्ट कराइए, और अब अगर आप इसको देखना चाहते होंगे तो यहां से जाके देख सकते हैं, ठीक है। और प्रिंट करना हो तो अल्ट के साथ पी प्रेस कीजिए, ये प्रिंट भी हो जाएगा, इसको सेव करना होगा पहले। इसको जब आप ओपन करेंगे तो आप देख पाएंगे, तो ये देखिए इस तरह से ये रिसिप्ट आएगी प्रिंट होकर के। तो उम्मीद करता हूं ये बात आपके समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।